आगरा में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक 85 साल की बूढ़ी माँ अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ धरने पर बैठ गई है। आपको बता दें कि प्रोफेसर प्रेम शंकर तिवारी पर नकल माफियाओं ने कॉलेज जाते समय सरिया और डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाना सिकंदरा में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 18 दिन बाद भी सभी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर हैं, जिससे परिवार में आक्रोश है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि आज केवल प्रशासन को चेताने के लिए धरना दिया जा रहा है और अगर प्रशासन नहीं समझा तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड पे जानलेवा हमला हुआ है, 18 दिन हो गए हैं और अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। वो नकल की वजह से हुआ है, कॉलेज में वो लोग चाहते थे कि नकल हो और ये नकल नहीं करने दे रहे थे। वही जब इस बारे में एएसपी श्लोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में नामजदों से पूछताछ हो रही है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी धाराएं हैं बनती हैं, मुकदमा दर्ज कराया गया है, विवेचना प्रचलित है, हम सभी एंगल से इसकी विवेचना कराई जा रही है और जिन व्यक्तियों पर प्रोफेसर साहब द्वारा शक जाहिर किया गया था उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी देखे गए हैं और सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एएसपी मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पे अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।